नमस्कार दोस्तों, मैं जागृत फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पृथ्वी बिल्डर पे। हमारे चैनल पे आज तक का सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी, सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट जो है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। लोकेशन इसकी जैसे मैं बताऊं, वानी विहार में है, आर्य समाज मार्केट से 100 मीटर की दूरी पे, उत्तम नगर वेस्ट और ईस्ट मेट्रो दोनों 600 मीटर की दूरी पर पड़ते हैं। इसके साथ 50 से 70 मीटर की दूरी पर आपको दो पार्क मिल जाते हैं, साथ में आपको मिलती है कार पार्किंग, लिफ्ट, यू नो इंडिपेंडेंट यूनिट है पूरी, कॉर्नर प्रॉपर्टी है दोस्तों, एल शेप यूनिट है, 125 गज के कवरेज एरिया के साथ, 3 BHK है, बहुत ही स्पेशियस आपको लिविंग एरिया और साथ में आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। किचन जैसे आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। प्रॉपर्टी के टूर से जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मैं आपको पूरे कॉमन एरिया से पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ इसका। आप देखेंगे फ्लोरिंग पे जो भी यूज़ हुआ है, सारे का सारा मार्बल यूज़ हुआ है। एंड टू एंड आपको यहाँ पे टाइल्स मिल जाती हैं। कॉमन एरिया में आपको लिफ्ट एरिया पे बहुत ही वेरी टाइल्स ब्राउन और हल्का वाइट कलर में मिल जाता है, लिफ्ट एरिया मिल जाता है। हर घर के बाहर आपको MCB मिल जाएगी दोस्तों, फिनोलेक्स की MCB लगा रखी है, बहुत ही सॉलिड MCB है, कंपनी जैसे आप जानते हैं। पीछे आप देखेंगे अभी कंस्ट्रक्शन काम हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग टचेस बाकी हैं, तो आपको देख रहे होंगे 15 दिन के अंदर इसका सैम्पल फ्लैट रेडी हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं ये, हमारे चैनल पे दिखाई गई, 125 गज के कवरेज एरिया के साथ आपको 3 BHK मिलते हैं। आप जैसे देख सकते हैं लिविंग एरिया भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे मिनिमम भी मैं कहूँ तो आप 8 सीटर से 16 सीटर तक का सोफ़ा लगा सकते हैं। एंड टू एंड आप अपना सोफ़ा लगा सकते हैं एल शेप में, इसके साथ आप इधर काउच लगा सकते हैं और सामने आपको टीवी का पैनल मिल जाता है। टीवी के पैनल में भी आप देखेंगे जगह जगह पे हमने डिस्प्ले एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ वुडन स्ट्रक्चर्स लगा रखे हैं, आप अपने आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। हर जगह आपको कंसील लाइट्स मिल जाएंगी, ऊपर भी देखेंगे फॉल सीलिंग है, बहुत प्यारा आपको देखेंगे प्लास्टिक फिनिश में पेंट मिलेगा। पीछे आप देखेंगे यहाँ पे आपकी पसंद का वॉलपेपर लग जाएगा और हमने पूरे वुडन स्ट्रक्चर से यहाँ पे एक फ्रेम दे रखा है। उसके अलावा अगेन फ्लोरिंग का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लोरिंग यहाँ पे भी पूरी मार्बल की गई है, कॉमन एरिया में भी मार्बल की है। AC का देखेंगे तो AC के वेंट के लिए आपको यहाँ पे 5-कोर केबलिंग, कॉपर केबलिंग करी है दोस्तों आपके स्प्लिट AC के लिए, जिसका आपको आउटलेट का भी यहीं पे कनेक्शन मिल जाता है। एंट्रेंस पर ही दोस्तों यहाँ पे आपको AV यूनिट मिल जाता है, आप यहीं पे कमरे में बैठकर ही देख सकते हैं गेट पे कौन आ रहा है और उनके लिए गेट भी खोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया इंडिपेंडेंट यूनिट है दोस्तों, नीचे कार पार्किंग मिलती है आपको, सिक्योरिटी के लिए गेट मिल जाता है बहुत प्यारा, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिलते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको लिविंग एरिया के डायमेंशंस की बात बता रहा था, 11.5x18 फुट के बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एरिया में आपका लिविंग एरिया बन जाता है। आप यहीं पर अपना डाइनिंग एरिया भी सेट कर सकते हैं, राउंड टेबल ग्लास की विद 4-6 सीटर आराम से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना मंदिर एरिया भी बना सकते हैं अपने लिविंग एरिया में। गेट जैसे देखेंगे सारे की सारी आपके पॉलिश वुडवर्क है, यहाँ पे भी देखेंगे जितने फ्रेम्स हैं सब पॉलिश वुडवर्क है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ रहती है। 3 बेडरूम्स हैं जिसके साथ आपको 2 बेडरूम्स में बालकनी मिल जाती है और 1 बेडरूम में आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस विंडो मिल जाती है। सनलाइट, फ्रेश एयर, वेंटिलेशन, हर चीज़ की यहाँ पे पूरे की पूरी इंतज़ाम किया गया है। कॉमन एरिया के साथ आपको पैसेज वे मिल जाता है टू गो टू योर वॉशरूम एंड आपके जो बाकी 2 बेडरूम्स हैं उनके एक्सेस के लिए। पीछे आप देख सकते हैं किचन मिल जाती है। किचन के अगर मैं आपको फीचर्स बताऊं तो आपको सबसे पहले तो डुअल हैंडमेड सिंक मिल जाते हैं, जिनके साथ आपको दोनों के लिए सेपरेट यहाँ पे सैनिटरी वर्क मिल जाता है। दोनों के लिए सेपरेट आपको यहाँ नलके लगेंगे। RO के कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक और पानी का दोनों को कनेक्शन होगा। ऑलरेडी हमने फ्रेम्स बना चुके हैं, जितना आप देख रहे हैं सब कंपनी का फ्रेम है, सारा वुडवर्क कंपनी से किया गया है। यहाँ पे आपके RO का सेटअप है, ऑलरेडी यहाँ पे लकड़ी को उसी तरह काटा ताकि आप अपना RO का कनेक्शन या सेटअप कर सकें। सिंक के ऊपर है तो अगर पानी लीक भी होता तो सिंक में जाता, तो आपकी बाकी जो किचन है, बाकी जो स्लैब है वो गीले नहीं होते। डबल मोल्डिंग के साथ आपको यहाँ मार्बल मिल जाता है, आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारा रोटेटिंग यहाँ पे पूरे का पूरा रैक मिल जाता है। देख रहे हैं सारे का सारा स्प्रिंग हाइड्रोलिक वर्क है। सॉफ्ट क्लोजिंग में आपको यहाँ पे सारे रैक्स मिल जाते हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे आपको नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ
यहाँ पे रैक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो नीचे इन रैक्स के नीचे भी हमने मार्बल वर्क कर रखा है, तो आपको ये नहीं है कि आप ज़मीन पर अपना सामान रख रहे हैं, पूरे का पूरा मार्बल्ड एरिया है। सिंक के नीचे भी आप देखेंगे, जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप यहाँ पे अपना बाकी सामान रख सकते हैं, किचन क्लीनिंग इक्विपमेंट्स रख सकते हैं और ख़राब होने की उनकी चिंता नहीं है। स्विच वर्क देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्लग पॉइंट्स मिल जाते हैं हर जगह पे, आपके एग्जॉस्ट फैन, चिमनी, मोटर के स्विच, आपके आपने अपना कोई भारी अप्लायंस लगाना है, माइक्रोवेव, ओवन, उनके लिए भी 15-15 एम्पीयर के स्विच बोर्ड आपको मिल जाते हैं। पीछे आप देख रहे हैं चिमनी के लिए जगह दे रखी है, दोनों तरफ आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है और एग्जॉस्ट फैन भी आप लगा सकते हैं चिमनी के अलावा। जितना भी यहाँ पे वुडवर्क देख रहे हैं सबके अंदर आपको यहाँ पे कंसील लाइट्स मिलती हैं, बहुत ही प्यारी लुक है। और आपके फ्रिज के लिए भी यहाँ सेपरेट जगह दे रखी है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी पीछे ही मिल जाता है, तो अपना स्लाइड करें फ्रिज, ऑन ऑफ करना चाहें आप कर सकते हैं। दोस्तों सामने की जैसे ड्रॉर्स देख रहे हैं आप, आपको एक तो हल्का वाइट टिंच में मिल जाता है जो कंट्रास्टिंग कलर देता है आपको किचन के साथ। इन सब में आप देख सकते हैं इनोटेक लगा हुआ है, सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ है। दोस्तों टाइल्स आप देखेंगे पूरे की पूरी एंड टू एंड टाइल्स हैं, इजी टू क्लीन मार्बल है, इजी टू क्लीन आपकी टाइल्स हैं। नॉर्मल आप गीला कपड़ा लेंगे आराम से आप टाइल्स आपके साफ कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप आइए, हमारे यहाँ पर टेक्नीशियंस होते हैं, वो आपको प्रूफ करके दिखा भी देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे मैं बता रहा था आपके लिविंग एरिया के साथ आपको पैसेज मिल जाता है, आपके दोनों बाथरूम, आपके दोनों बेडरूम्स और बाथरूम की कनेक्टिविटी के लिए। बाथरूम जैसे देखेंगे लिविंग एरिया का काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और ये आपका बेडरूम से अटैच हो जाता है, तो आप लिविंग एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने बाथरूम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको दो बेडरूम्स मिल जाते हैं विद अटैच वॉशरूम, लिविंग एरिया के साथ भी आपको बेडरूम मिल जाता है और आपको दो बेडरूम्स हैं, बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही वाइड बालकनी मिल जाती है। मैं आपको पहला बेडरूम दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया दोस्तों काम चल रहा है, फिनिशिंग टचेज हैं, क्वालिटी मटेरियल आप देख सकते हैं, एशियन पेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, बर्जर का यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन करके, एशियन पेंट्स रॉयल उसका हम पेंट यूज़ करते हैं। सो अगर कोई लोग कहते हैं कि यू आर स्किपिंग ऑन क्वालिटी, यू आर स्किपिंग ऑन क्वालिटी, हम वो काम नहीं करते, प्रॉपर आपको मटेरियल लगा हुआ देते हैं ताकि लाइफ लॉन्ग चीज़ हो, क्योंकि घर आदमी एक बार खरीदता है तो ऐसा होना चाहिए जो उसकी पसंद का हो और उसकी क्वालिटी और फिनिश के साथ हो। सेकेंड बेडरूम जैसे आप देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत विड्थ है, बहुत ज़्यादा लंबाई में भी है। आपको यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजिंग में आपको यहाँ पे स्लाइडिंग रैक्स मिल जाते हैं, स्लाइडिंग कबर्ड है तो मतलब आपकी स्पेस उतनी ज़्यादा बच जाती है। यहाँ देखेंगे आपको गोल्ड फिनिश में यहाँ पे आपके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, अंदर आप देखेंगे लॉकर मिल जाता है, नीचे शू रैक मिल जाता है और तो और आपको कर्टन ये अपने हैंगर रॉड्स भी मिल जाती हैं इसके साथ। ये हो गया वार्डरोब। अब मैं आपको वॉल बता देता हूँ, इस वॉल पे आपकी पसंद का वॉलपेपर आएगा जो आप अपने हमारे ब्रोशर से सिलेक्ट करके अपने पसंद अनुसार आप लगवा सकते हैं। ऊपर आपको फॉल सीलिंग विद एलईडी कंसील लाइट्स, फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। एमसीबी के लिए आपको यूनिट मिल जाता है, यहाँ पे विंडो एसी आप लगा सकते हैं। पूरे का पूरा फ्रेम देखेंगे पूरे का पूरा पॉलिश्ड वुडवर्क हो रखा है। एमसीबी के लिए आपको एसी के लिए आपको एमसीबी भी मिल जाती है और उसका कनेक्शन भी आपको ऊपर ही मिल जाता है। आप अपना चाहे स्टेबलाइजर भी लगाना चाहें तो उसके लिए भी आपको अलग से कनेक्शन दे रखा है। सामने की तरफ देखेंगे आपको वुडन वर्क में पूरे का पूरा एलसीडी पैनल मिल जाता है, बहुत ही मैट फिनिश में आपको ये कलर मिल जाता है। पाउडर कोटेड लैमिनेशन और लैमिनेशन के साथ है। पाउडर कोटेड का फ़र्क ये होता है, ये आपको एक मैट फिनिश लुक देता है और इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, तो हमने वो मटेरियल यूज़ किया है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दिस इज़ वन ऑफ आर मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट्स जो हम आपको अपने पृथ्वी बिल्डबिल चैनल पर दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे आपको स्लाइडिंग कैबिनेट डोर मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो इसकी पट्टी है वो पूरी गोल्ड फिनिश की पट्टी लगी हुई है। डोर्स देखेंगे, डोर हैंडल्स, डोर के यहाँ पे जो आपके क्लोजिंग नॉब्स होते हैं सारे के सारे क्रोम फिनिश के साथ हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं। अटैच आपको बालकनी मिल जाती है, वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। दोस्तों जैसे मैं आपको वेंटिलेशन का बता रहा था, वेंटिलेशन के लिए आपको सेपरेट विंडो मिल जाती है, लगभग 5.5-6 फुट की हाइट की आपको विंडो मिल जाती है। यहाँ पे ग्रिल, ग्लास और साथ में आपको मेश मिल जाता है। एसी के लिए सेपरेट हमने अटैचमेंट दे रखी है, आप वहाँ पे अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की और इस रूम की अगर मैं स्पेशलिटी बात करूँ तो 14.5x11 फुट की लंबाई और चौड़ाई में है ये, और इसके साथ जो आपको बालकनी मिलती है वो है इसकी सबसे कमाल वाली चीज़। 3.5-4 फुट वाइड और लगभग 15 फुट लंबाई में आपको ये बालकनी मिल जाती है।
आप देखेंगे इतनी ज़्यादा बड़ी और इतनी ज़्यादा स्पेशियस बालकनी है। 35 फुट की वाइड रोड मिल जाती है आपको, 50 मीटर की दूरी पर सारी मार्केट है। मतलब आप जाएंगे नीचे, सामने आप अपना ग्रॉसरी और बाकी सामान का आप अपना इंतज़ाम कर सकते हैं। विड्थ जैसे मैं बता रहा हूँ 3.5 फुट की है, लंबाई देखेंगे 15 फुट की लंबाई। आप अपना पीछे वॉशिंग सेंटर लगा सकते हैं यहाँ पूरा, आपने अपना वॉशिंग मशीन लगाया, उसके पानी का कनेक्शन बिजली का कनेक्शन दोनों दे रखा है, चिमनी का आउटलेट यहाँ अलग है, आपके एसी के लिए स्प्लिट एसी जो आपका लिविंग एरिया में उसका आउटलेट आप यहाँ लगा सकते हैं। सारे का सारा आप वॉल पे देखेंगे बहुत ही प्यारा टाइल है, बहुत ही प्यारी पाउडर कोटेड फिनिश की तरह लुक आती है। नीचे भी देखेंगे जितना है सारा मार्बल्ड है और आपको यहाँ पे ग्लास मिल जाता है। नीचे पूरा लांटन डला है और उसके ऊपर आपको लगभग अगर मैं बताऊँ 4.5 फुट की लंबाई पे आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाता है विद ग्लास। तो बहुत ही प्यारी लुक और बहुत ही प्यारी एस्थेटिक अपील देता है। कोई दूर से देखेगा घर तो वैसे ही ऑफ और बिल्कुल भौचक्का रह जाएगा। बालकनी की दोस्तों पूरी लंबाई दिखाता हूँ मैं, आप ये पूरी वीडियो में देखेंगे कितनी बड़ी और कितनी लंबी आपको बालकनी मिल जाती है। ये एक ही बालकनी है दोस्तों, पूरी ओपन बालकनी आप देखेंगे, मार्बल फ्लोरिंग है, टाइल लगी हुई है और ऊपर आपको ड्रम लाइट्स मिल जाती हैं। दोस्तों इस रूम के साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। ये वॉशरूम लिविंग एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं और अपना बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों बेडरूम टू मास्टर बेडरूम, इसमें भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। आप विड्थ देख सकते हैं कितनी बड़ी है, आप यहाँ पे अपना वुडवर्क करके आप अपना अलमीरा बना सकते हैं। पीछे पूरी दीवार पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपकी पसंद का वॉलपेपर मिल जाएगा। बेड साइड स्विचेस हैं, एसी के लिए यहाँ पे स्प्लिट एसी का कनेक्शन है, आप यहाँ पे एमसीबी उसका कनेक्शन दे रखा है। मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी पूरी मार्बल फ्लोरिंग करी गई है और वॉल पे आपको एंड टू एंड टाइल्स मिल जाती हैं। अटैच बालकनी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसकी अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो इस बालकनी की विड्थ लगभग 5 फुट चौड़ी है और लंबाई में कम से कम 8 से 10 फुट लंबाई में मिल जाती है। आप चाहें तो यहाँ पे भी अपना वॉशिंग मशीन सेटअप कर सकते हैं क्योंकि कनेक्शन पानी का बिजली का दोनों का यहाँ पे भी आपको मिलता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो टाइल्स लगी हैं उसमें भी पाउडर कोट की फिनिश आ जाती है, मैट फिनिश है। वुडवर्क जितना भी देख रहे हैं सारे का सारे यहाँ पे पॉलिश वुडवर्क है। पीछे आप देखेंगे आपके वॉशरूम के लिए यहाँ पे यू नो एग्जॉस्ट फैन के लिए आपके लिए जगह दे रखी है, वेंटिलेशन के लिए पूरी एक प्रॉपर जगह दे रखी है। यहाँ पे भी देखेंगे आपको ग्रिल मिल जाता है, SS304 क्वालिटी का है, रस्ट प्रूफ होता है, करोजन प्रूफ होता है, ग्लास मिल जाते हैं यहाँ नीचे और कपड़े सुखाने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दे रखी है, रॉड आप अपना रस्सी बांधिए आप अपने कपड़े भी सुखा सकते हैं। दोस्तों बेडरूम 3 जो मेरी खुद की पसंद का सबसे फेवरेट बेडरूम है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस रूम की डायमेंशंस की बात करें तो 11.5 बाय 14 फुट की डायमेंशन के साथ ये रूम है। पीछे इतनी प्यारी विंडो मिल जाती है कि आप बाहर लोग देखें हल्की भिन भिन आती धूप, चाहे तेज़ धूप क्यों ना ये गर्मी नहीं आने देगा। टेम्पर्ड ग्लास है दोस्तों, इसके पीछे आप देखेंगे यहाँ पे मेश और पीछे आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। एसी के लिए यहाँ पे भी हमने अलग से आउटलेट दे रखा है, आप अपना आराम से विंडो एसी लगा सकते हैं। एसी के कनेक्शन ऊपर आपको मिल जाएगा और नीचे आपको एमसीबी मिल जाता है आपके रीच के लिए। यहाँ पे देखेंगे जितना है सारा लैमिनेटेड वुडवर्क है, बहुत ही प्यारा टाइगर फिनिश में आपको लुक मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे आप आराम से अपना छोटा सा बुकशेल्फ बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा बुकशेल्फ, ऊपर बुक्स नीचे बुक्स, मतलब किताबें देखने में जितनी सुंदर लगती हैं उतनी ही पढ़ने में भी लगती हैं। तो आप पढ़ो लगाओ यहाँ पे डिस्प्ले, कोई आएगा बुक्स देख के अवार्ड्स देख के वो वैसे ही खुश हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको डबल डोर की दो आपको वार्डरोब्स मिल जाती हैं, अगेन लॉकिंग मैकेनिज्म मिल जाता है, नीचे आपको शू रैक मिल जाता है और ऊपर ओवरहेड कैबिन्स मिल जाते हैं। आप अपना लगेज या भारी सामान आप ऊपर रख सकते हैं, शूज़ नीचे रख सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया बहुत ही प्यारी लुक में आपको यहाँ पे पूरी की पूरी वार्डरोब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी आप देखेंगे बेड साइड स्विच मिल जाते हैं आपको दोनों तरफ, और तो और आपको यहाँ पे जितना देख रहे हैं यहाँ पे पीछे आपकी पसंद का वॉलपेपर लग जाता है। LED कंसील लाइट्स, कॉब लाइट्स मिल जाती हैं फॉल सीलिंग के साथ, और ये जो आप देख रहे हैं फ़ैन का कनेक्शन वो भी हम आपको लगा के देंगे। दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे पूरे की पूरी जैसे मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, सारे की सारी फ्लोरिंग मार्बल है, डोर जो देखेंगे सारे के सारे क्रोम वर्क कर रखे हैं हैंडल्स पे, पीछे आपको मैग्नेटिक डोर स्टॉपर मिल जाता है और पीछे जो चिटकनी होती है दरवाज़ा लगाने के लिए वो भी क्रोम फिनिश में है। तो हर चीज़ टॉप क्वालिटी का है क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट्स जो हम आपको अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। आप जैसे जानते ही हैं दोस्तों हमारी चैनल पर जो भी आप प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं सब की सब नो ब्रोकरेज, नो कमीशन,
क्योंकि जैसे दोस्तों आप जानते हैं हमारी टैगलाइन क्या है, पृथ्वी बेल्टवेल का सिर्फ एक सपना, हर किसी का घर हो अपना। तो लग्जरी अफोर्डेबल से लेके लग्जरी प्रीमियम हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। सस्ते फ्लैट्स, बजट फ्लैट्स, 2 BHK से 3 BHK, हाई प्रीमियम क्वालिटी सब आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। लोकेशन जैसे मैंने इसकी बताई आपको, वानी विहार में है, आर्य समाज मार्केट से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे, और गुरुद्वारा भी सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे। तो दोस्तों ज़्यादा वेट मत करिए, लिमिटेड फ्लैट्स हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट है, मात्र मार्केट में बहुत ही कम है ये यूनिट्स जो इतनी लग्जरी और इतनी प्राइम लोकेशन पे बने आर्य समाज के पास। तो फ़ोन उठाइए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, क्योंकि हम आपका वेट कर रहे हैं आपके कॉल आने का। घर आपका हो सकता है, दिवाली का मौका भी आ रहा है, तो अट्रैक्टिव ऑफर्स उठाइए और जल्द से जल्द ऑफिस आके अपना टूर बुक करिए। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।